नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर कि बंगाल सरकार के द्वारा जो अभी तक पाबंदियां थी, जिसे हम लोग लॉकडाउन कह रहे हैं, इन लॉकडाउन की पाबंदियों को बढ़ा करके 15 जुलाई तक कर दिया गया है, जिसका म्याद 1 जुलाई तक था, जो कि 1 जुलाई तक खत्म हो रहा था। इसी बीच लेकिन अटकलें लगाई जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ हिदायत देते हुए सरकार के द्वारा इसे बढ़ाया जाएगा या फिर समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर कोविड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो बीते सप्ताह जिस तरीके से एक कम देखी जा रही थी और इस बीच अचानक से उछाल मारते हुए फिर से कोविड की रिपोर्ट बढ़ती ही जा रही है। स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है, कभी कम तो कभी बेसी अचानक से देखने को मिल रही है। इन सभी को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष आज खबर जो है वो आती है राज्य सचिवालय से, नवानों से, कि जो म्याद खत्म हो रहा था 1 जुलाई तक, उसे बढ़ा करके कर दिया गया है अब 15 जुलाई तक। लेकिन इसी बीच बहुत सारे हिदायत भी दिए गए हैं, बहुत सारे रिलैक्सेशन जो है वो दिए गए। वो क्या क्या है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो आप ज़रूर सुने। जितने भी प्राइवेट ऑफिस थे जो अभी तक शायद बंद थे, वो अभी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन 50% अपने वर्किंग कैपेसिटी के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ आप काम कर सकेंगे। सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आप काम कर सकेंगे, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की ये बात कही गई है। अब हम बात करते हैं जो बाजार हाट है, जो खुलेंगे सुबह 6 बजे से लेकर के एकदम दोपहर के 12 बजे तक, यानी सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक 6 घंटे का समय दिया गया है। अब इसके साथ हम अगर बात करें जितने भी रिटेल शॉप से वो कितने बजे तक खुलेंगे, तो 11 बजे से लेकर के 8 बजे तक जितने भी दुकानें हैं रिटेल, वो सभी खुल सकेंगे। अब हम बात करते हैं जितने भी प्राइवेट बस, ऑटो, टोटो, ये जितने भी वाहन हैं वो कैसे चलेंगे, तो वो 50% अपने जो सीटिंग कैपेसिटी है और उसी के तहत वो चलेंगी, यानी कि अगर उनको 10 सीट कैपेसिटी है तो वो 5 लेकर के जा आ सकेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जितने भी पार्लर और सलून थे वो सभी खुलेंगे, वो भी 50% कैपेसिटी के साथ, सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक। लेकिन शर्त ये है कि आपको वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। जितने भी कर्मचारी, जितने भी पार्लर में लोग काम करें, उनको पहले कोरोना का ये जो टीका है, ये खुराक लेना पड़ेगा, फिर आप काम कर सकते हैं। जिम की बात कहें, जो जिम भी अभी तक बंद थी वो 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकती है। और हम अगर बात कहें जो एक नाइट कर्फ्यू हम जिसे कहते हैं, कि रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक जो भी एमरजेंसी व्हीकल्स और एमरजेंसी गुड्स, एसेंशियल कमोडिटीज़ को छोड़ के बाकी सभी को निकलना मनाही है, तो वो जारी रहेगा रात के 9 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। और ये राज्य सरकार के द्वारा जो है बता दी गई है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है 15 जुलाई तक। एक बार फिर से हमारे जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि 15 जुलाई तक, जिसका मियाद 1 जुलाई को खत्म हो रहा था, वो लेकिन बढ़ा दिया गया है। और दफा दफा लेकिन जिस तरीके से कोरोना में उछाल देखने को मिल रहे, जो रिपोर्ट आ रही है उनके तरफ, उनको ध्यान में रखते हुए ही राज्य सरकार के द्वारा ये काफ़ी अहम कदम जो है वो उठाई जा रही है। अगर स्थिति यही रही तो क्या आने वाले समय में ऐसे ही लॉकडाउन की अवधि बढ़ती रहेगी, या फिर हम लोग इन सभी से मुक्त होकर के एक फिर से न्यू नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारी ढील जो है वो दी गई है, लेकिन सावधानी और सतर्कता अभी भी बरतनी काफ़ी ज़रूरी है। और ये विशेष रिपोर्ट जो है वो हम आप तक पहुँचा रहे थे जी। और कोरोना की जो रिपोर्ट है वो भी जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, साथ ही साथ कोरोना की जो नई वेरिएंट आ रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए, जो ब्लैक फंगस हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेकिन इस कदम को राज्य सरकार के द्वारा ली गई। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बता दें कि 15 जुलाई तक लॉकडाउन की जो अवधि है, जो पाबंदियाँ हैं, उसको बढ़ा दी गई है। दार्जिलिंग से नेहा गुप्ता, एसके लाइव।